अलीपुर से खबर देंगे, जहां पर जहरीली लस्सी पीने का वाकया पेश आया था और इसमें अभी मौत का सिलसिला थम नहीं सका। जहरीली लस्सी से मुतासिर बच्ची समेत मजीद दो अफराद जान की बाजी हार गए हैं और इस वाकये में जाँबहक अफराद की तादाद अब 11 हो गई है। जहरीली लस्सी पीने का ये वाकया पेश आया था अलीपुर में और अमवात का सिलसिला ताहाल थम नहीं सका। कल भी एक इस हवाले से इत्तला मिली थी, एक बच्ची जाँबहक हुई थी और आज मजीद दो अफराद जाँबहक हो गए हैं। 11 अफराद की तादाद हो गई है जो कि इस वाकये में अब तक जाँबहक हो चुके हैं। मलिक फयाज हमारे साथ हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे। फयाज बताइएगा। जी, जहरीली लस्सी पीने से बालों में से बदकिस्मत खानदान की अमवात का सिलसिला थम न सका। जहरीली लस्सी पीने से मजीद तीन बच्चियां दम तोड़ गईं। जाँबहक होने वालों की तादाद 12 हो गई है। 12 अफराद की जाँबहक होने इलाके में क्यामत सुगना बर्पा हो गया है। हर शख्स की आंख अश्क बगार थी। बदकिस्मत खानदान के सरबरा अकलम रिशारी ने बताया कि दरियाए सिंध पार कच्चे के इलाके में कोई अस्पताल या डेंसन नहीं नहीं है। तिब्बी सहूलियात का नाम निशान तक नहीं है। अगर मेरे खानदान को बार बार तिब्बी इमदाद मिल जाती तो इतना बड़ा सन ना होता। मेरे खानदान के साथ जो हुआ सो हुआ। 50,000 आबादी की जिंदगी बचाने के लिए वजीर अला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ दरियाए पार कच्चे के इलाके में फौरन अस्पताल बनाने का ऐलान करे। जी बहुत शुक्रिया आपका मलिक फयाज, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।